Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. Hoshangabad district in Madhya Pradesh has four assemblies, of which the BJP won all four in 2013. However, this time in two of them, it is facing a slightly unique challenge. And in fact, it is these smaller constituencies and districts and the challenges that the incumbent faces in these that really tell us what the larger election is all about. In these two constituencies, a senior BJP leader and sitting MLA from one of them has left the party and is contesting on a Congress ticket from another constituency. Also, Sapaks, the Savarna party that was formed, alleging that the BJP is pandering to the backward classes, has also put up candidates in both these assembly seats. How will the BJP face these challenges and will it impact the BJP's prospects? Sartaj Singh ji pehle ek bhajpa mein the, wo yahi se Sioni Malwa se ladte the, wahan ke MLA bhi reh chuke hain. Ab wo wahan se lad rahe hain dusri seat se Congress party se. Aapko kya lag raha hai, iske bare mein aap kya kehna chahenge? मैं ये कहना चाहूँगा कि सरताज सिंह को 78 वर्ष की उम्र में अपनी मातृ संस्था से बिछोड़ नहीं करना था, और ये जो एक अच्छा पढ़े लिखा तबका है उनकी मानसिकता तो यही है कि उन्हें अपनी मातृ संस्था से बिछोड़ ना करना था। देखिए मैडम, अभी जब जो चुनाव का यहाँ पे जो रुझान आ रहा है, देख रहे हैं पब्लिक को देखते हुए, अपने को ऐसा लग रहा है कि एकदम कसमाकस टक्कर है जी। तो कहने के लिए अपन आज क्लियर ये नहीं कह सकता है कोई भी कैंडिडेट या कोई भी पार्टी का वर्कर कि हमारी पार्टी यहाँ से जीत रही है, परंतु अभी तक जो देखने में आया है कांग्रेस में सरताज जी के आने से कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो चुकी है। तो उस उनके पार्टी छोड़ने से नुकसान किसको हुआ है, भाजपा को हुआ है या सरताज सिंह जी को? सरताज सिंह स्वयं को नुकसान होगा। ये बताइए, वो सियोनी मालवा से तो हमेशा जीतते थे, तो अब यहाँ पे भाजपा की जो कमजोर हुई है भाजपा, या ठीक है यहाँ पे? सियोनी मालवा से कोई कमजोर नहीं है उनके जाने से भी। और जहाँ से वो लड़ेंगे वहाँ से आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस को टक्कर देंगे वो? टक्कर तो देंगे, लेकिन भाजपा ही बढ़त लेगी, चाहे पहले से कम ले। पहले से कम लेगी तो कुछ फर्क पड़ेगा? टक्कर है दोनों की, लेकिन होशंगाबाद सीट जो है वही भाजपा ही। तो आपको लगता है कि भाजपा को पूरे नुकसान हो गया है? उससे पहले तो यहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं मिल रहा था लड़ने के लिए, वो किसी को कांग्रेस ने दी भी थी नाम सुना है, तो उन्होंने सीट वापस कर दी थी यहाँ से अपने टिकट तो लड़ने के लिए। लास्ट टाइम तक यहाँ पर कांग्रेस कोई कैंडिडेट ही नहीं उतार पा रही थी, ना कोई लड़ने को तैयार था। तो इसको देखते हुए अगर देखा जाए तो भाजपा को बहुत ज़बरदस्त नुकसान है इस सीट। हाँ देखिए, सरताज सिंह यहाँ से मंत्री रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो जब मंत्री थे तो उन्होंने इस क्षेत्र के लिए काफ़ी विकास किया, तो यदि यहाँ से लड़ते तो शायद, हाँ मैं कह सकता हूँ कि उनकी संभावना ज़्यादा रहती। तो अब क्या स्थिति है भाजपा की? अभी ये है कि 50-50 का आंकड़ा चल रहा है। सपाक्स करके जो पार्टी है, जो सवर्णा वर्णों की जो एक पार्टी बनाई गई है, हाँ, उसके बारे में क्या जानते हैं? ये थोड़ी इनको मिलेगी 1500 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाली है जी। थोड़ा बहुत प्रभाव इनसे, कोई दोनों के रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। कुछ नहीं मैडम, उन लोगों के यहाँ जमानत जब होती है, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी चलती है, तीसरा कैंडिडेट अगर कोई भी लड़ता है उसकी जमानत तो जब होती है। भाजपा को सपा से कोई नुकसान नहीं? किसी से किसी को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस सरकार जी से थोड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ नुकसान हो सकता है। मैम इतना कुछ खास नहीं है जिस टाइप का होना चाहिए, वैसे तो 90% तो मैम बीजेपी या फिर कांग्रेस ही आना है मैम, सपा का तो मैम 10% भी कोई चांस नहीं है जी। तो यहाँ उनका जो मुद्दा है सवर्णा वाला, उसका कुछ खास नहीं, उतना कुछ वो फर्क नहीं पड़ना है, 0% भी नहीं पड़ेगा कुछ खास। The BJP is fighting these polls with the baggage of several adverse political factors. Whether it can overcome these remains to be seen. If Hoshangabad's example and BJP's seeming ability to be able to hold its ground is anything to go by, then the party may not have a reason to mourn just yet. With Ruhi, Tewari, this is Sakshi Arora from Itarsi, Sioni Malwa and Hoshangabad for The Print.